नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से हम फिलहाल निम्मी के जो असाइनमेंट है उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अपन ने बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। आज की वीडियो में अपन जो बेसिक वायरिंग जो है उससे वायरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन होता है, घंटी का जो बटन होता है, उसको दबा लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आने वाले, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, ठीक है। ए ऑप्शन में दे रखा है लंबाई मीटर में, बी में दे रखा है दीवार की मोटाई एमएम में, सी में दे रखा है आंतरिक व्यास एमएम में, और डी दे रखा है बाह्य व्यास एमएम में, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंड्यूट पाइप निर्दिष्ट कैसे किया जाता है, बाह्य व्यास एमएम में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या दे रखा है, पुनः तार बंधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब रिवायरेबल फ्यूज पूछा है यहाँ पर, कौन सा फ्यूज होता है रिवायरेबल फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो रिवायरेबल फ्यूज के लिए 1.4 होता है। अगर एचआरसी पूछता तो क्या होता है, एचआरसी के लिए 1.11 हो जाता। दोनों को याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अंडर राइटिंग कैनोट्स फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शंस। जो पेंडेंट होल्डर होता है उसके जो कनेक्शंस होते हैं उसमें अंडर राइटर गांठ का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ढीले संयोजनों से, बी में दे रखा है यांत्रिक शक्ति में, और सी में दे रखा है अत्यधिक कैप कवर दबाव को, और डी दे रखा है सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करने के लिए। तो जो गांठ का उद्देश्य क्या होता है भाई, जो रिड्यूस द स्ट्रेंथ फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द एसेसरी, सामान के टर्मिनल से तनाव को कम करने के लिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कौन फ्यूज कौन से प्रकार का, ये आपको फ्यूज दे रखा है, कौन से प्रकार का है, ये कौन सा है, एच आर सी फ्यूज का ये डायग्राम दे रखा है। एच आर सी फ्यूज का पूरा नाम भी पूछ लेता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। एच का मतलब हाई, आर का मतलब रैप्चरिंग, सी मतलब कैपेसिटी, हाई एच आर सी फ्यूज का पूरा नाम क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हिंदी में बोलते हैं उच्च विदारण क्षमता, ठीक है। और इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है, क्लियर हुआ। तो ये डायग्राम किसका दे रखा है, एच आर सी फ्यूज का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45 की, ये रहा आपका 45 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत सामग्री का नाम बताइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ये कौन सा लैम्प है। तो आपको जो डायग्राम में दिख रहा है वो लैम्प कौन सा है आपका, एडिशन स्क्रू प्रकार का लैम्प है, ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम, आपको ये दे रखा है, ये आपको इस तरह से बना रखा है, ठीक है, और ये बना रखा है। ये ऊपर वाला तो क्या होता है भाई, प्लग होता है, और नीचे वाला क्या होता है, सॉकेट होता है। प्लग और सॉकेट का ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, समझ में आया। ये जो सैंपल किसका है भाई, प्लग एंड सॉकेट का, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47 नंबर का, एल श्रेणी एमसीबी किस प्रकार के लोड के लिए सुरक्षित है। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है भाई, एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ वियोजक, ये भी ध्यान रखना, ये एक सुरक्षा युक्ति होती है। एल सीरीज की कौन सी होती है, जो गीजर वगैरह होते हैं उनमें एल सीरीज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गीजर में एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस प्रकार का स्विच सर्क्यूट में उपयोग किया जाता है, विच टाइप ऑफ द स्विच इज यूज इन सर्किट, अच्छा सर्किट दिख रखा है, सर्किट में कौन सा स्विच है। आपको ये जो वायरिंग दिख रही है किसकी दिख रही है, जीने की वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग, या सीडी की वायरिंग बोलते हैं। तो जीने की वायरिंग में कौन सा स्विच उपयोग होता है, टू वे स्विच होता है, या दो तरफा स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दो तरफा टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, देखते हैं, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा, मतलब कम
कम रेटेड करंट, कम एम्पेयर की जो धारा कम रेटेड करंट की जो केबल होती है उसको हाई लोड पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है हीट होगी, हीट के कारण क्या होगी केबल गर्म होगी, गर्म होने से वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब लो करंट की केबल है उसको हायर लोड से जोड़ देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, केबल जोड़े डैमेज हो जाएगी ड्यू टू हीट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, गर्मी के कारण केबल ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। ये आपको एक बैंड दे रखा है, किस प्रकार का बैंड है, ये निरीक्षण बैंड है, इंस्पेक्शन ये बैंड है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, मध्यवर्ती स्विच। मध्यवर्ती स्विच का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्विच। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन स्थानों से, एक तो लैंप है, देखो क्वेश्चन को समझना है आपको, लैंप कितना है एक है, एक लैंप को तीन स्थानों पर कंट्रोल करना है, साथ में इंटरमीडिएट स्विच का भी प्रयोग करना है, तो दो टू वे स्विच की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक तो इंटरमीडिएट स्विच लगा और दो टू वे स्विच, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, संभालने में आसान है, बी में कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, सी दे रखा है उच्च कुचालक क्षमता, डी दे रखा है नमी से सुरक्षा। कंसील्ड वायरिंग क्या होती है, जो दीवार में की जाती है वो कंसील्ड वायरिंग होती है, जिससे कि नमी मतलब मॉइस्चराइज से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चराइज। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 53, आरएक का नाम बताइए, वो है जीने की वायरिंग होते हैं, ये लैंप दे रखा है, ये टू वे स्विच होता है, टू वे स्विच का सैंपल क्या होता है भाई, इस तरह से ये टू वे स्विच का सैंपल होता है, ये इस तरह से होता है और ये डैश डैश होता है। ठीक है, ये टू वे स्विच का सैंपल होता है, जीने की वायरिंग दे रखा है, यहाँ पर कौन सा सर्किट दे रखा है, लैंप दे रखा है, तो ये वायरिंग लेआउट दे रखा है। ठीक है, वायरिंग आरएक दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, एचआरसी फ्यूज की फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है। एचआरसी बोला है ना, हाई रिएक्शन कैपेसिटी, तो 1.1 हो जाएगा, और रिवायरेबल बोलता है तो 1.4 हो जाता है। ठीक है, फिलहाल एचआरसी पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.11 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के रिले को एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। इम्पल्स रिले जो होती हैं, इम्पल्स जो रिले होती हैं उनको एसी और डीसी दोनों पर वर्क किया जाता है। ठीक है, इम्पल्स रिले, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में देखा है इम्पल्स रिले अपना, एसी डीसी के लिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इम्पल्स रिले ऐसी रिले जो होती है जो कि एसी और डीसी दोनों पर वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 56, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री, ये आपको एक कनेक्टर दिखा रखा है। ठीक है, ये आपको कनेक्टर दिखा रखा है, ज़्यादातर ये हीटर वगैरह में यूज होता है, तो ये क्या होगा, कनेक्टर होगा, आयरन का कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सीधे प्रवेश के लिए साथ लोहा संयोजक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें ये आया हुआ है, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरीज सिंबल। ये क्या है, एक तरह का वन वे स्विच है, ये वन वे स्विच है लेकिन दो तरीके से निकला हुआ था, बहु मार्गी होगा, मतलब दो तरीके से यूज हो सकता है। वन वे स्विच होता है, टू वे नहीं है, वन वे स्विच टू पोल्स नहीं, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहु स्थिति एकल स्विच, एकल ध्रुव स्विच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 58, क्या दे रखा है अभी 58 में दे रखा है, घरेलू तारों में लचीले तारों की क्या उद्देश्य है, फ्लेक्जिबल वायर क्यों यूज किया जाता है, क्या आसानी से वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, ये कंड्यूट पाइप के द्वारा ये डाले जा सके। ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबल वायरों का प्रयोग किया जाता है, पोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 59, क्या दे रखा, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबो 100 एम्पियर करंट रेटिंग, 100 एम्पियर जो करंट रेटिंग है उससे ऊपर कौन सा सर्किट ब्रेकर, यानी कि किस भंजक, परिपथ भंजक का मतलब सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं इसके, 100 एम्पियर की रेटिंग से ऊपर प्रयोग कौन से किया जाता है, MCB मिनीचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, RCCB रेजोनेंट करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये इनके आप देखो इस क्वेश्चन में चारों चीज़ें आपको सीखने को ध्यान रखना है, MCB का पूरा नाम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर,
ELCB का पूरा नाम अर्थली केस सर्किट ब्रेकर, MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, RCCB का पूरा नाम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, चारों आपको ध्यान रखना। अब इनमें से 100 एम्पियर से ऊपर धारा के लिए कौन सी हो जाती है, MCCB होते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 एम्पियर के लिए MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शार्ट नंबर का क्वेश्चन है। तांबे के फ्यूजिंग तार पर टिन की कोटिंग क्यों की जाए, टिन की कोटिंग कर लीजिए ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, तो तांबे का ऑक्सीकरण रोकने के लिए कोटिंग की जाती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। दोस्तों यदि चैनल पर नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे इनमें असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपन प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चन से उनको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 आपको चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है आपको निम्न असाइनमेंट की, ITI के स्टूडेंट और CTI के एग्ज़ाम जो दे रखे हैं और जो लाइनमैन का एग्ज़ाम देते हैं, अगर एक बार उनको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो लगभग लगभग उनका स्कोरिंग अच्छा होगा, लगभग लगभग प्लस 10-15 क्वेश्चन उनको और ज़्यादा सही होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये निम्मी के असाइनमेंट है को जो कि चेन्नई से बन के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको अच्छी तरह से सॉल्यूशन करना, CTI के एग्जाम में और ITI के एग्जाम में तो इन्हीं से बनता है पेपर लगभग। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का, चार कुचाली चालकों के समूह को क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप, कहना मतलब चार चालकों का ग्रुप है उसको क्या कहते हैं भाई, क्वाड कर दें, क्वाड कर दें, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62 नंबर का, चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरफा स्विच की आवश्यकता होगी, मतलब कि गोदाम वायरिंग हो रखी है और चार लैंप है, लैंपों की संख्या कितनी है, चार है, तो टू वे स्विच कितने चाहिए भाई, चार के लिए, चार लैंपों के लिए 3 2-way स्विच की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 63 नंबर का, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त है, ट्री प्रणाली में क्या होता है, पेड़ की जो शाखाएं निकलती है उस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है, जिससे कि कोई भी शाखा में फॉल्ट होता है तो आसानी से अपन मतलब पता कर सकते हैं, फॉल्ट का पता आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए ट्री प्रणाली उपयुक्त होती है। ईजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विद मैनी फ्यूजेज, कई फ्यूजों के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64 नंबर का, सीलिंग में स्क्रू को छेद भरने हेतु भराव पदार्थ, कहने का मतलब ये छत है, छत में स्क्रू कर दिया और वो छेद हो गए, तो ठीक है, सीलिंग का मतलब छत हो गया, इसमें छेद हो गया, छेद को भरने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नाइलॉन का, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलते हैं, ये निम्न असाइनमेंट में मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छिद्र को भरने के लिए नाइलॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65 नंबर का, ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सैम्पल दे रखा है आपको इस तरह से, किसका सैम्पल है, ये सीलिंग फैन का, सीलिंग फैन मतलब छत के पंखे का ये सैम्पल है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66 नंबर का, रिले का नाम बताओ, आपको ये रिले दे रखी है, इस रिले का नाम बताइए, ये रिले कौन सी है, इम्पल्स रिले है, कौन सी रिले है भाई, इम्पल्स रिले है, और इम्पल्स रिले का क्वेश्चन पहले भी आया था कि ACDC दोनों पर एक वर्क करती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम, ये आपको डायग्राम दे रखा, आरेख दे रखा, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन वायरिंग होती है, ये कौन सी होती है, स्थापना योजना, स्थापना योजना, इंस्टॉलेशन प्लान, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68 नंबर का, क्या दे रखा, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, ICDP का पूरा नाम क्या होता है भाई, ICDP का आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, इसके अलावा ICTP का पूरा नाम क्या होता है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच होता है, यहाँ पर क्या पूछा है, ICDP आयरन के लिए डबल पोल स्विच, डबल पोल मतलब सिंगल फेज सप्लाई के लिए, ट्रिपल पोल होता तो थ्री फेज सप्लाई के लिए, तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69 नंबर का, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण में आता है, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बिलोंग टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेसरीज, सामान्य वर्गीकरण में कौन आता है भाई, फ्यूज होता है, सुरक्षा में आता है, इंटरमीडिएट कंट्रोलिंग में आता है, पेंडेंट होल्डर जो होल्डिंग डिवाइस होती है, और सीलिंग रोज जो होता है वो जनरल डिवाइस जो होते हैं, जनरल एसेसरीज आता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70 नंबर का भी दोस्तों, और ये असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 वाली भर्ती में, ठीक है। क्या दे रखा, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डीसी सीरीज मोटर, सॉरी डीसी सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, डीसी सीरीज, तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग क्या किया जाता है, ट्रैक्शन सिस्टम में किया जाता है, इसलिए लोकोमोटिव आ जाए। लोकोमोटिव मतलब अपना क्या होता है कि जो ट्रेन सिस्टम होता है उसको लोकोमोटिव सिस्टम बोलते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये थे आज की वीडियो के लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे अगले जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चंस भी और भी हैं आपके, जैसे आपको मैं दिखा दूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों उम्मीद अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन का प्रेस उसको प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।